हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 4.2 सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत इजी है, बहुत सरल है। ये जो है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका MI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या ज्ञात करने कहा जा रहा है आपको, और कहा जा रहा है कि जिनका योग जो है 27 हो। दो संख्या है जिनका योग क्या है, 27 है, और उनका गुणनफल 182 है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, यहाँ देखिए, पहले हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या, हमको संख्या पता नहीं है तो हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या जो है हमारा एक्स है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगा हमारा, तो आराम से निकल जाएगा कि हम 27 में जो है पहली संख्या घटा देंगे तो जो घट के जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि योग बोला इतना है। तो योग में पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब क्या बोल रहा है, जिसका योग 27 हो, ये हो गया यहाँ तक। और बोल रहा है क्या, और गुणनफल 182 हो। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार बोल रहा है इनका गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल कर लीजिए, गुना हो गया, कितना बोल रहा है 182 हो, तो गुना करते हैं 27x - x² = 182। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 27x, यहाँ पे प्लस x² हो जाएगा और बराबर 182 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं या फिर चिन्ह बदलते हैं, कुछ भी कीजिए आप, चाहे चिन्ह बदल सकते हैं डायरेक्ट, या आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 27x + x², और ये जो माइनस है इसको इस तरह करेंगे, क्या होगा, ये जो प्लस था अभी वो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या हो गया, इधर आ गया। अब देखिए x² आगे कर दिए, इसको फिर इस तरफ कर देंगे, और ये जो माइनस में है उसको हम इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा 182, यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 0। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया मैंने, कॉमन लेने पर क्या होता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस में हो गया, ये माइनस था प्लस में हो गया, और फिर ये माइनस बराबर उस पर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये इस पर आया तो प्लस में हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसको गुणा करेंगे, हम ये किससे कट रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 13 के पार हमारा कट रहा है, ठीक है, जो डायरेक्ट ही कट रहा है उसको हम डायरेक्ट ही कटा सकते हैं, ठीक है। तो कटाएंगे तो कितना, 13 एक बार में, फिर यहाँ पे 5 आठ पाँच जा गया तो 52, तो 52 कितना बार आता है, 4 बार में, 13 × 4 = 52, तो 13 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, 27 उड़ जाता है, ये हमारा क्या होगा, उड़ जाता है, ये माइनस चाहिए हमको माइनस में, तो यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ पे माइनस दे देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फिर मेरे अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये हमारा क्या होगा, माइनस 27 उड़ जाएगा। तो हम गुणनखंड के रूप में क्या लेंगे, माइनस 13 और माइनस 14, तो ले लेते हैं माइनस 13x, क्योंकि यहाँ पे x था, माइनस 14x और प्लस 182 = 0। इसको कर लेते हैं, इसमें कॉमन x आ रहा है, कॉमन ले लिए हम, और यहाँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, 14, तो x 14 जब इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 13 और में खा देगा, ठीक है। तो 13 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, ये हो गया आपका, इसको एक बार लिख लेंगे हम, और इसको हम एक बार लिख लेंगे, तो x बराबर 13 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 14 आंसर, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा ये बता देते हैं आपको, हम बराबर 0 है तो x - 13 = 0 और x - 14 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस में इधर आके प्लस में, और ये 14 जो माइनस में है इधर आके क्या होगा, प्लस में, ठीक है, क्योंकि आपके बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसी कारण जो है ऐसे आप आंसर निकालिएगा, तो ये आपको क्या हो गया, x बराबर आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया आपको, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए, तो वो दो संख्या क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए, मान फिर यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा आपको, चाहे आप x का मान ये में रखिए या ये में रखिए, आपको दोनों में से किसी एक को ही रखना है, यदि आप 13 रहते हैं तो 13 ही लीजिएगा, मान लीजिए 13 लिए, तो दूसरी संख्या जो है, जो कि आपका था 27 - x, ठीक है, तो 27 - 13 तो 14, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे 13 ले लिया, यहाँ पे x में हम 14 ले लिए, ऐसा नहीं करना है, जो भी x का मान लीजिएगा आप एक ही लीजिएगा, ठीक है, चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, तो पहली संख्या क्या हो गया 13, दूसरी संख्या क्या हो गया 14, इसका योग इतना हो गया, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 नंबर सवाल आपका बन गया। हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, 4 नंबर सवाल देखिएगा, अब सवाल नंबर हम 4 देखेंगे, 4 नंबर सवाल जो है ये भी आपका MI क्वेश्चन है,
तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमागत, ठीक है, क्रम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक का बात हो रहा है, ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो पूर्णांक को मानेंगे। माना कि पहला पूर्णांक जो है हमारा एक्स है, तो दूसरा पूर्णांक, ठीक है, दूसरा पूर्णांक यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। धनात्मक यानी कि कुछ भी मतलब कि धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमको सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या को लेते हैं। तो हमको सम संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए हम विषम संख्या को मानेंगे। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन, ये क्या है हमारा विषम पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ विषम संख्या है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने का रहा है, तो इसी का हम एक्स प्लस वन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वन। अब क्या बोल रहा है, उनके जिनके वर्गों का योग, अब बोल रहा है क्या, इनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो प्रश्न आंसर लिख लेंगे हम, क्या बोला गया, उनके वर्गों का योग, तो एक्स का भी वर्ग और एक्स प्लस वन इसका भी वर्ग का योग, तो यहाँ पे प्लस, तो दोनों के वर्गों का योग कितना बोला गया है 365। आप लोग समझ गया यहाँ तक। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा एम एम बी का होल स्क्वायर, एम एम बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसके आधार पे हम इसको बैठा लेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो भी था मान उसको हम यहाँ पे बैठा लिए सूत्र के अनुसार, ठीक है। अब बराबर में क्या है आपका 365, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक पावर टू है तो एक ही होगा, इसको दो एक्स गुणा इंटू एक, इसको गुणा करें तो क्या होगा टू एक्स होगा, बराबर कितना 365। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इधर कर लिए हम, और ये प्लस वन जो है यहाँ पे इसको क्या करेंगे इधर ला लेंगे, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और हम क्या करें यहाँ पे अंक अंक घटाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाना है तो माइनस घटाएंगे एक तो क्या होगा 364 बचेगा, एक घटाएंगे तो अब बढ़ जाएंगे, माइनस था इसी यहाँ पे माइनस दिए, अब बराबर जीरो। इसमें आपका कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका टू आ रहा है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा आपका एक आठ दो, अब बराबर जीरो। टू को बराबर उस पर ले जाइएगा जीरो में, तो जीरो से भाग दीजिएगा, नहीं जीरो से गुणा कीजिएगा टू में, तो क्या होगा हमारा जीरो ही होगा, तो इसी कारण एक्स इतना अब बराबर जीरो, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब इसका हम क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड में क्या करेंगे 182 को पहले हम करेंगे गुणनखंड, तो 13 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14 में अगर 13 घटाते हैं हम तो क्या बचेगा हमारा एक, यानी कि हम अगर x है तो यहाँ पे कितना x बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है। तो हम ये चीज गुणनखंड के रूप में हम लेंगे यहाँ पे इसके इतना पुराने के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 14x, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 13x माइनस 182 बराबर जीरो। इसको फिर इसको इसमें कॉमन आपका x आ रहा है तो x प्लस 14, और इसमें कॉमन आपका 13 आ रहा है तो x माइनस माइनस प्लस, और 13 जब इसमें भाग दीजिएगा आप तो 14 बार में आपका खा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन नहीं एक बार लेना है, x प्लस 14 एक बार ले लिए, और फिर x माइनस 13 को हम एक बार ले लिए, तो x प्लस 14 बराबर जीरो, इसमें भी फिर x माइनस 13 बराबर जीरो, ठीक है, जीरो हम ले लेंगे। अब देखिए x ये प्लस में उधर क्या हो गया माइनस में, और ये जो माइनस में उधर क्या हो गया प्लस में, तो जो आंसर माइनस में हमारा आ गया, जो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा उसका कोई मान्य नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा या अमान्य है, यह ओमान्य है, कौन वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका ओमान्य है, बाकी ये जो आपका आंसर आया एक्स बराबर 13, तो ये आपका आंसर हो गया एक्स बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक जो है, पहली पूर्णांक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा जो कि था एक्स प्लस वन, एक्स कितना हो गया 13 और प्लस 1 तो क्या हो गया 14, तो ये हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, जब पूछा जाए तो हम ये चीज लेते हैं एक्स प्लस 1,
ठीक है। जब विषम, जब आपका विषम धन पूर्णांक पूछे विषम, तो आप यहाँ पे क्या लीजिएगा x प्लस टू, ठीक है। तो वो हम बताएंगे, वो सवाल भी आपके आने वाले हैं, तो उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब सवाल नंबर 5 देख लेते हैं हम, जो कि ये भी आपका एम आई ही है, ठीक है। तो इसे भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा है, ऊंचाई जो है आधार से, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम यहाँ तक पहले कर लेंगे। तो हमें क्या कह रहा है, ऊंचाई आधार से, तो पहले हम आधार जानेंगे तभी तो ऊंचाई मानेंगे। तो पहले हम आधार को करेंगे, माना कि आधार x, ठीक है, आधार को x मान लिए। अब हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई इसके आधार से, ठीक है। तो पहले ऊंचाई बराबर क्या बोला, ऊंचाई इसके आधार से, इसके आधार से क्या है, 7 कम है, तो 7 माइनस में ये हो गया आपका, इतना हो गया। आप बोल रहे यदि कर्ण, अब कर्ण क्या बोल रहा है आपको, 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आधार है, ऊंचाई है, कर्ण है, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र भी यूज हो जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका कर्ण स्क्वायर बराबर, हम लिखे पहले समकोण, समबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो है आपका, समकोण त्रिभुज आपका कर्ण आधार ऊंचाई तीनों आता है। तो ये इस सवाल के अनुसार इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में जो है इसका एक सूत्र होता है, और आपके पास जो है कर्ण लंब आधार सब दिया हुआ है, तो आप इस सूत्र का यूज कीजिएगा ही। तो यूज करते हैं, कर्ण क्या है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर लेंगे 13 स्क्वायर। लंब क्या है आपका, लंब को हम किसे कहेंगे, लंब हम इसे कहेंगे ऊंचाई को, ये जो है आपका क्या है, लंब है, ऊंचाई हमारा लंब है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 7, इसका भी स्क्वायर बोला गया है, और आधार क्या है इसका, x माने है इसका भी स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169, इसका क्या हो रहा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको a माने इसको b माने, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए बी तो है नहीं, यहाँ तो अंक है, तो अंक को ही हम यहाँ पे बिठा लेंगे, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49, और माइनस 7 × 14x माइनस 14x ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर माइनस 14x, ठीक है, ये चीज यहाँ पे, और प्लस क्या ये चीज 49। अब इसको ये जो है बराबर के स्क्वायर जो है इसको हम क्या करेंगे, इस पर लाएंगे बराबर के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में सॉरी माइनस में आ जाएगा, माइनस 100 इतना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बराबर में 0, तो बराबर 0 दे दिए। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाना है, 169 में, ठीक है, 169 में 49 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, बचेगा 120, ये जो है आपका ये बचेगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन आपका क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7x और यहाँ पे 7 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका। तो अब हम ये 2 जो है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करते हैं तो कोई चीज 0 हो जाता है हमारा, ठीक है, तो 0 हो गया। अभी आपको क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, तो इसका x का मान निकालिएगा गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसको इससे गुणा कीजिएगा तो आपका x 60 ही होगा, इस चर पर गुणा नहीं करना है, यहाँ पे अंक जो होता है उससे, ठीक है, तो 60 हुआ। इसका फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, कितना से, ये x का एलसीएम लीजिएगा तो 5 से खिलाते हैं तो 12 में आ जाता है, और अब हम 12 को हम 5 में 5 घटा देंगे तो हमारा क्या पूर जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुणनखंड के रूप में हम क्या ले लेते हैं, 12 - 5, क्योंकि हमको क्या बताया गया है कि हम जोड़ के घटा के जो है हमको 7 पुराना होता है, 7 पुराना होता है, तो हम यदि हमारे गुणनखंड ऐसे में ये आया है, यदि हम 12 - 5 घटाते हैं तो हमारा 7 पूरा जाता है, तो गुणनखंड रूप में हम ये ले लेंगे। तो लेते हैं x स्क्वायर
माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 7 सॉरी प्लस 5x, ठीक है 5x और माइनस 7 ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस में आंसर लाना है, इसी कारण यहाँ पे माइनस देना है बढ़ के ताकि घट के फिर माइनस आ जाए, तो माइनस 7 उड़ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं। इंदु कुमार का क्या आ रहा है एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 12, इसमें कुमार का क्या आ रहा है 5 और यहाँ बच जाएगा क्या एक्स प्लस माइनस माइनस और फिर 12, तो इसको हम एक बार उतारेंगे, इसको हम एक बार उतारेंगे और इसको एक बार उतारेंगे, तो यहाँ पे करते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस 12 है, एक्स माइनस 12 और फिर एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 तो एक्स माइनस 12 बराबर 0 एक बार इसमें और एक बार एक्स प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है बराबर में, तो दोनों में हम 0 एक बार ले लेंगे। तो एक्स ये माइनस में जाएगा क्या हो गया प्लस में, और ये जो प्लस में आया जाएगा क्या हो गया माइनस में। तो ये जब का आंसर आया ये क्या है आपका अमान्य है, यह क्या है यह अमान्य है, आपका रियल आंसर जो हुआ ये हुआ, ठीक है एक्स बराबर जब का मान निकला वो हो गया एक्स बराबर 12। अब हम क्या करेंगे ये चीज हम निकाल लेंगे, अब लिखेंगे अतः आधार बराबर आधार जो हम एक्स माने थे वो क्या निकल गया हमारा 12, और ऊंचाई जो कि हम क्या माने थे x माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा x का मान ऐसे हमें मान रखेंगे 12 और फिर 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ फिर आपका यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना 5 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करेंगे कर्ण तो आपके पास है ही, बस यही आपका आंसर हो गया 12 और 5 जो है आपका आंसर हो गया कि आधार इतना और ऊंचाई इतना, जब को कह रहा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात की, तो ये दो भुजाएं आपका ज्ञात हो गया, तो आपका 5 बार भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे, ठीक है तो 6 नंबर सवाल में क्या है देखेंगे, अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में कुछ नहीं है, ये सवाल उसी तरह से है जिस तरह हमको बताया था उदाहरण नंबर 1 में कुटीर उद्योग वाला, उसी तरह से ये भी है, ठीक है और थोड़ा इसमें अलग है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या है इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यहाँ भी वही चीज कह रहा है, तो यहाँ तो पहले हम मान लेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, यही बोल रहा है खिलौने की संख्या, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे इसको हम एक्स मान लेंगे। अब क्या बोल रहा है एक विशेष दिन दिखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत आप लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है इसमें क्या कह रहा है वो देखेंगे, ठीक है निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों, ठीक है उस दिन एक दिन यहाँ जो है उस दिन यानी कि एक्स बर्तनों की संख्या के दुगने, अब बोल रहा है क्या उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या का दुगने, तो दो गुना से तीन अधिक है, तो ये हो गया क्या प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये हो गया ठीक है ये कह रहा है आपको। अब क्या कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ पे क्या बोल रहा है कुल निर्माण लागत दोनों के दिन को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कुल निर्माण लागत हो जाएगा, अब वो कितना बोल रहा है कि 90 रुपया थी, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि हम क्या करेंगे दोनों गुना कर देंगे तो एक्स गुना 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो बस ये आपका बन गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 3x और फिर अभी ये बराबर में 90 है तो इधर आएगा तो क्या होगा इतना हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 × 180, फिर इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो लेते हैं 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर कितने फिर 3 से कितने बार में 15 बार में, ठीक है यहाँ तक लेते हैं 2 × 4 = 12 और अगर हम 15 और 12, ठीक है 12 और 15 का यहाँ पे खेल हो रहा है, तो 15 में अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमारा क्या 3 पूरा था जो कि हमारा यहाँ पे 3 पूरा था, तो हम गुणनखंड के रूप में हम क्या लेंगे 15 और 12 लेंगे, ठीक है तो यहाँ पे लेते हैं 2x² यहाँ पे प्लस 15x और यहाँ पे माइनस 12x, यहाँ आपको यहाँ पे प्लस में आंसर चाहिए, ठीक है प्लस में आंसर चाहिए प्लस 3, तो इसमें घटाएंगे तो 3 होगा बढ़ करके प्लस है तो इसके बराबर हो जाएगा, इसी कारण प्लस हम यहाँ पे देंगे, ठीक है और माइनस 90 = 0,
तो अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें कॉमन आपका आ रहा है सिर्फ x, तो x प्लस, सॉरी यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15, ठीक है। और इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें वो कॉमन क्या आ जाएगा 6, और यहाँ बचेगा आपका 2x, 6 दूनी 12, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 15 हो गया और बराबर 0। एक बार इसको लिख लेंगे हम 2x प्लस 15, और एक बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 6 यही है आपका, तो हम क्या क्या लिख लिए, और बराबर 0। तो एक बार 0 इसमें देंगे और एक बार 0 हम इसमें देंगे, तो 2x ये प्लस में हो जाएगा तो क्या माइनस में, और ये माइनस में, और फिर गुणा में इधर क्या हो गया बटे में, और ये जो माइनस में इधर क्या हो गया प्लस में। तो ये अब आपका आंसर हो गया, ये आंसर आपका नहीं हुआ, ये माइनस में आ गया, माइनस में आंसर नहीं होता है। तो ये क्या लिखेगा यहाँ पे, या ओमान नहीं है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका ओमान नहीं है। तो एक्स आपका कितना आंसर आ गया आपका 6, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अतः एक दिन में, दिन में निर्मित या उस दिन, ठीक है, एक दिन में या उस दिन में, यहाँ पे एक दिन बोला था, एक दिन, ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या जो कि हम x मारे थे कितना आ गया, आपको आपको 6 आ गया। और दूसरा क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या था, 2x प्लस 3, तो 2x का मान रखेंगे और फिर 3 क्या हो जाएगा, 6 × 12 प्लस 3, तो कितना 15, यानी कि एक आंसर आपका 6 आ गया, एक आंसर आपका 12 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, जहाँ क्या बोला था, तो निर्मित प्रतिरोध संख्या 6 हो गया और फिर प्रत्येक नग की लागत कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में आप यहाँ तक ही पढ़िएगा, और आज के वीडियो में आपका 4.2 क्या हो गया, क्लियर हो गया, खत्म हो गया। तो कल से आपको 4.3 पढ़ाना शुरू करेंगे। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है, थैंक यू।